इस वर्ष भादो महीना का शुरुआत 3 अगस्त रात्रि 8:21 से शुरू हो रहा है, जो कि अगले महीने के 2 सितंबर दिन बुधवार दिन में 9:33 तक भादो महीना रहेगा। इसमें भादो महीना का मास फल माने मासिक फल महीना का फल देने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं। इस वर्ष भादो महीना में अच्छी वर्षा के साथ माह का प्रारंभ हो रहा है, अर्थात इस महीना के भादो शुरुआती में अच्छी वर्षा होगी। अगस्त के प्रथम सप्ताह 7 अगस्त के आसपास भी अच्छी वर्षा का योग बन रहा है। 16 अगस्त से अश्विनी नक्षत्र का मंगल हो जाएगा, तो इसमें आपको ज्वार, बाजरा, चना, मूंग, गेहूं, गुड़, खार, रुई, सौंठ में तेजी लाएगा, मतलब महंगाई इन चीज़ों पर बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। चांदी में मंदी आएगा, इसका भाव गिरेगा। 17 अगस्त को मघा नक्षत्र सिंह राशि की सूर्य संक्रांति में साधारण वृष्टि के योग प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 17 अगस्त को सूर्य जो है सो कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो सिंह राशि में जब सूर्य रहेंगे तो इसमें अच्छी वर्षा का योग बन रहा है। खाद्यान्नों में मंदी की धारणा चलेगी, माने किराना सामान जो खाने पीने के जो वस्तु हैं, अनाज वगैरह, इसका भाव गिरेगा, संस्थि के अनुमान है। बुधवार अमावस का योग दुर्भिक्ष कारक है, अर्थात बुधवार का अमावस्या पड़ने के कारण इस महीना में जो है सो दुर्भिक्ष माने अकाल की संभावना बनेगा या बुरे दिन की संभावना बनेगा। माह के 5 मंगलवार देवी प्राकृतिक आपदा की स्थिति पैदा करेगा। महीना में 5 को मंगलवार जो पड़ रहा है जो शुभ कार्य नहीं है, इसमें अशुभ होता है, देवी की प्राकृतिक घटनाएं घटती है, दुर्घटनाएं घटती है। राजनीतिक विग्रह विरोध की भी संभावना रहती है, मैं राज सरकार में राजनेताओं में किसी प्रकार का विद्रोह का भावना बनता है मनमुटावों का। 30-31 अगस्त की भोर में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का सूर्य आकर बहुत अच्छी वृष्टि का योग पैदा कर रहा है, माने 30 तारीख के रात्रि में 31 तारीख के आसपास में पूर्वा फाल्गुन का सूर्य हो जाएगा, जो कि 15 दिन चलेगा। इसमें अच्छा वर्षा का अनुमान है और इसमें सभी जगह व्यापक दृष्टि से व्यापक रूप में वर्षा होगी। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।